नमस्कार, republichindi.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण तिवारी। जन अधिकार पार्टी का महाधरना। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ पप्पू यादव ने राज्य सरकार को जमकर लगाई। लगातार व्यापारियों का मर्डर, कई व्यापारी का मर्डर, मोतिहारी, कटिहार, पूर्णिया, नालंदा, प्रोफेसर की हत्या हुई वैश्य समाज की, जमीन के चलते क्या हुआ। एक अभी सहरसा में सिर्फ अपराधियों से यह पूछने के लिए कि भाई अच्छे से चलो गोली मार दिया गया, अपने रिश्तेदारों के आए थे शमशाह। अखिलेश जायसवाल जी एक नहीं है, लगभग अखिलेश जायसवाल जी जैसे जितने व्यापारी और बिजनेसमैन काम करने बाहर से आए और जो यहाँ के लोग रेवेन्यू देते हैं, बिहार बचा हुआ है, वो बाहर जा चुके हैं। 17 साल 32 सालों में 3 हिस्सा व्यापारी बाहर जा चुका है। और अखिलेश जायसवाल को जिस तरीके से जान मारने की, पप्पू पांडे जी ही नहीं है, हजारों पप्पू पांडे विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलए की स्थिति यही है। यहाँ पर कोई भी काम, कोई भी भवन, कुछ भी बनेगा, रोड से लेके कुछ भी, चाहे वो रिलायंस का कोई चीज, तो पहले टैक्स दो। ये उनका गुंडा टैक्स है। पदाधिकारी चाहे चड्डा चड्डा से टैक्स लिया, चाहे सीएनसी, चाहे जो भी कंपनी, संतोष झा जो मारे गए, इस तरह के जितने लोग, ये सब लोग अकूट, सबको संरक्षण। नीतीश कुमार जी 75 केस है पप्पू पांडे जी पर। अभी बड़े बड़े लोग माफियागिरी किए और एक तो निर्दलीय विधायकों को उसके मंत्री एमपी चुनाव लड़ने बुला लिए, लौटा लिए। लगातार व्यवसायियों की हत्या लखीसराय में, प्रोफेसर की हत्या नालंदा में। अखिलेश जायसवाल जी को हिम्मत, बधाई देता हूं कि लड़ने की हिम्मत दिखाई उसने। जायसवाल समाज से लेके पूरा जन अधिकार पटना इकाई और महिला इकाई, आज हम लोग खड़े हैं युद्ध के मैदान में, युद्ध की तैयारी, आजादी चाहती है अब यहाँ। और दूसरी तरफ पप्पू यादव ने विधायक और सांसदों की संपत्ति की भी जांच की मांग की। सुरक्षा नहीं छीना गया, क्यों इन विधायकों की, मंत्रियों की इनकम टैक्स नहीं होता है, कहां से इतना पैसा लाई है लोग। पदाधिकारी सबसे ज्यादा इस बिहार में अपने रिश्तेदारों के नाम से जमीन कीना है, उसकी जांच क्यों नहीं होती है। जो भी पदाधिकारी है, ये बालू, शराब, जमीन, इन टैक्सों के पैसे से। हम चाहते हैं यहाँ के एमएलए, मंत्री, एमपी, सभी लोगों का और पदाधिकारियों का अकूट संपत्ति बढ़ा है, उसकी जांच हो हर परिस्थिति में। और अखिलेश जायसवाल जैसे कई ऐसे व्यवसायियों की सुरक्षा की व्यवस्था, सरकार अखिलेश जायसवाल की सुरक्षा की व्यवस्था करे, जान खतरे में है, स्थिति बहुत बुरी है। हम उम्मीद करते हैं और अविलंब गिरफ्तारी करे, अन्यथा बिहार बंद पूरा, इनको महंगा पड़ेगा इन गुंडों को संरक्षण करने में।